कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, आपको किस दिन क्या खाना है, आपको मंगल में क्या खाना है, आपको सोमवार को क्या। त्रिजी जी यहाँ बैठे हैं तो दो मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि आप जानते हैं। हाँ, मैं कुछ चीजें लाना चाहता हूँ उनके संज्ञान में। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप रन कर रहे थे, माननीय सभापति, आजकल एक चीज और हो गई है कि ये सरकार और इनकी पार्टी ये तय करने में लग गई है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, आपको किस दिन क्या खाना है, आपको मंगल में क्या खाना है, आपको सोमवार को क्या खाना है, आपको बुधवार को क्या खाना है। दिल्ली कॉरपोरेशन में, साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन ने बाकायदे ये नोटिस निकाला, जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो रैली लगाने वाले, जो छोटे दुकानदार हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनको जो है पाबंदी लगाई कि आप यहाँ ये नॉनवेज नहीं बेच सकते, आप यहाँ मछली नहीं बेचेंगे। ये क्या तरीका, माननीय सभापति जी, आप जानते हैं ये जो है कॉर्पोरेशन, आप देख रहे हैं आजकल कर्नाटक के अंदर क्या चल रहा है कि वहां पर भी रोज यही हो रहा है कि आप क्या, आप जो हैं, आप कोई दुकान, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों पे एक पे पाबंदी लगाई जा रही है कि आप जो है उस प्रीमिसेस के अंदर अपनी दुकान नहीं लगाएंगे, आप सामान नहीं खरीदेंगे। ये देश के लिए, सभापति, आई एम कंक्लूडिंग जस्ट, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपके इंटरवेंशन चाहूंगा इस पे, क्योंकि अगर हम यहाँ ये करते हैं इसका इफेक्ट बहुत दुर्गामी होता है। ऐसा नहीं है कौन किससे खरीदेगा, कौन किसको बेचेगा चीज, इस पर आप सख्ती करिए। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो जहां पर ऐसा हो रहा है, और खासतौर से आपकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कर्नाटक के अंदर, आप यहां से डायरेक्शन भेजिए कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है देश की, कि हमारे देश में रिलीजन के आधार पर ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से इसका क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी।